इस न्यूज के प्रायोजक हैं देव जनरल स्टोर एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड मुगेली। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में डेंगू बीमारी ने अपना खतरनाक रूप ले लिया है। यह बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि यदि सही इलाज ना हो तो इसकी वजह से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार एक महीने के भीतर छत्तीसगढ़ में डेंगू की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। मगर मुगेली जिले के लिए खुशखबरी यह है कि यहां अब तक डेंगू का कहर एक व्यक्ति पर भी नहीं पड़ा है। जिला स्वास्थ्य महकमा भी डेंगू बीमारी के लिए सक्रिय नजर आ रही है। आपको बता दें कि यह बीमारी एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है और यह मच्छर दिन के समय ही काटता है। चूंकि डेंगू मच्छर का लार्वा गंदे पानी की बजाय साफ पानी में ही पनपता है, इसलिए अपने घर के आसपास पानी न जमा होने दें। अचानक तेज सिर दर्द होगा और बुखार आएगा, दूसरा होगा उसमें सांस तेज से और जोड़ों में दर्द होगा, तीसरा उसमें होगा कभी भी जी मिचलाना होगा और गंभीर रोग में होता है नाक और मुंह से कभी कभी खून निकलती है और हाथ पैर में चकत्ते भर जाते हैं, ये उसके लक्षण हैं। और इससे बचाव के उपाय ये है कि अपने को पूरा कपड़े शरीर ढके रहें, पूरे कपड़े पहनना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करें और पानी कहीं पर भी जमा ना हो, खासकर अपने कूलर में या घर के अंदर जो टंकी रखी हुई है उनकी सफाई हमेशा 1-2 दिन में करते रहें। नहीं टायर के दुकान है वहाँ पर टायर में जमा रहता है या ऊपर छत पर पानी जमा है या कहीं पर नारियल की इसमें जमा है, जहाँ भी पानी जमा हो रहा है साफ पानी उसमें मच्छर पनपते हैं तो उनको हमेशा सफाई करते रहें। अपने अस्पताल में डेंगू जांच के लिए किट उपलब्ध है और उससे दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। पिछले साल डेंगू के मरीज नहीं मिले थे, इस साल भी उनको डेंगू के मरीज नहीं मिले अभी तक के अपने यहाँ नहीं आए।